आर्थिक मंदी की चपेट से उद्योगों को बाहर निकालने के लिए मोदी सरकार कई अहम फैसले ले रही है। मोदी सरकार ने एक ही दिन में दो कड़े फैसले लेकर छोटे और बड़े उद्योगों व कॉरपोरेट जगत को राहत दी है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स को घटाने का ऐलान किया है, जिसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री सीतारमण ने 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर जीएसटी दर घटाई है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगी। काउंसिल ने छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए कहा कि 2 करोड़ से कम टर्नओवर पर सालाना जीएसटी रिटर्न भरना जरूरी नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में तैयार नहीं होने वाले कुछ खास डिफेंस गुड्स पर जीएसटी में छूट मिलेगी। 2024 तक इस श्रेणी में छूट मिलेगी। स्लाइड फॉसनर पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी किया गया। मरीन फ्यूल पर 18 से घटाकर जीएसटी की दर 5 फीसदी की गई है। भारत में होने वाले अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए फीफा के सप्लाई किए जाने वाले गुड्स और सर्विस में जीएसटी में छूट मिलेगी। रेलवे के वेगन और कोच पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी किया गया है। उन्होंने बताया कि कैफिनेटेड बेवरेज पर जीएसटी 18 और 12 फीसदी सेस भी लगाया गया है। माल की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपेलिन की थैलियों और बोरियों पर एक समान 12% की दर से जीएसटी लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने 1500 सीसी डीजल और 1200 सीसी की गाड़ियों पर 12% सेस कम करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि अब एरिएटेड पेय पदार्थों पर 18% की जगह 28% कर लगेगा, साथ ही इस पर 12% कंपनसेटरी सेस भी लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि होटल पर लगने वाले जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाया गया है। अब 7,500 रुपये प्रति रात से अधिक किराए वाले होटल रूम पर 18% जीएसटी लगेगा, वहीं 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक के किराए वाले होटल रूम पर 12% जीएसटी लगेगा और 1,000 रुपये से कम किराए वाले कमरों को जीएसटी नहीं देना होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।